सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए। अगर आप अमिताभ बच्चन के कौन बढ़ेगा करोड़पति के प्रोग्राम में होते तो आपसे एक सवाल किया जाता, बताइए वो कौन सा राज्य है जिसमें एक ही व्यक्ति 3 सरकारी विभागों में पिछले 31 साल से लगातार काम कर रहा हो, तनख्वाह ले रहा हो और अब रिटायरमेंट लेने के बाद पेंशन लेने की प्रक्रिया में हो और उसे कभी पकड़ा ना गया हो, बताइए वो कौन सा राज्य है। अगर आपको ऑप्शन दिया जाए तो मेरे ख्याल से मेरे ऑप्शन देने के पहले ही आप कह देंगे वो बिहार होगा। जी हाँ, ये बिहार है। एक व्यक्ति वहां पे पिछले 31 साल से 1988 में पहली रिक्रूटमेंट हुई, 9 महीने बाद 1989 के 1 महीने में दूसरी रिक्रूटमेंट हुई और वो भी एक ही डिपार्टमेंट के 2 जगह हो गई, लिहाजा टोटल 2 डिपार्टमेंट के 3 पदों पे वो व्यक्ति काम करता रहा, प्रमोशन पाता रहा और अब कुछ वर्षों में रिटायर होने जा रहा है। आप जरा गौर कीजिएगा कैसा राज्य होगा जहां एक व्यक्ति 2 जिलों में पदासीन है, जो जिले कम से कम 100 किलोमीटर दूर हैं या इससे ज्यादा हो सकते हैं। कैसे वो आदमी लगातार 31 साल हर रोज वर्किंग आवर्स में एक जगह भी प्रेजेंट है दूसरी जगह, ये तो शायद ईश्वर के बारे में कहा जाता है कि वही सार्वभौमिक है, लेकिन सुरेश राम शायद ईश्वर से थोड़ा ही नीचे है। कम से कम 3 जगह तो उसने प्रूव कर दिया कि 3 जिलों में वो एक साथ प्रेजेंट हो सकता है और 1-2 दिन नहीं कई दशकों तक तनख्वाह ले सकता है, प्रमोशन दे सकता है। जानते हैं पूरा मामला सामने कैसे आया, आधार कार्ड के जरिए। जिस आधार कार्ड को लेकर कितना बवाल हो रहा था उसी आधार कार्ड को राज्य सरकार ने जरूरी किया ये जानने के लिए कि उसके पास काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है। और यह देखा गया कि एक ऐसा आधार कार्ड है जिस पर जो फोटो है और बाकी डिटेल्स हैं वह 3 अलग अलग महकमों में काम करने वाले आदमी की है, यानी कि एक ही आदमी 3 अलग अलग जगहों पर काम कर रहा था और यह पकड़ में आया तो सिर्फ आधार कार्ड से और आ भी सकता था इसी तरीके से, लेकिन एक आदमी उम्र भर नौकरी करता रहा, रिटायरमेंट के कगार पर आ गया और आखिर में कैसे पता चलता है, आधार कार्ड से। अब आगे की बात इनके के साथ। कैसा सड़ा हुआ सिस्टम होगा वो बिहार का, जिसमें कि एक आदमी कैसे 3 जगह नौकरी करता होगा, उसकी उपस्थिति कैसे दर्ज होती होगी और वो काम क्या करता होगा कि वो 31 साल तक डिटेक्ट नहीं हुआ कि ये एक ही आदमी है 3 जगह काम कर रहा है। और तब फिर लगातार केंद्र के नाराजगी का कारण समझ में आता है, जब केंद्र अक्सर कहती कि भाई पेमेंट शिक्षकों का वहाँ हम करते हैं और खबर ये मिलती है कि जो रसूखदार टीचर है वो दशकों तक अपने उसी नियुक्ति के स्कूल में जाता ही नहीं है, एवजी टीचर पढ़ाते हैं और ये एवजी टीचर बेरोजगार युवा होते हैं जो कि जो उसकी सरकारी तनख्वाह है उसी में से 25% 20% कुछ दे देता है उसको और वो वहां पे पढ़ाता है। आप जरा गौर कीजिएगा कि क्या वो उन बच्चों का भविष्य बना पाता होगा। यही कारण है कि बिहार इस देश में सबसे बड़ा वो राज्य है जो सबसे गरीब है, सबसे गरीब। कितना गरीब? इस समय 40,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय है जो राष्ट्रीय आय का करीब 1/4 है। वहां पे गरीब आदमी भी अपने नौनिहाल को पढ़ाने के लिए प्राइवेट स्कूल में जाता है जिसका खर्च सरकारी खर्च से 4 गुने से 10 गुना है, लेकिन करे क्या, मां साहब जो आते हैं वो असली मां साहब नहीं है, जो खाना उसको मिलता है
वो आपने देखा होगा कि उससे नौनिहाल मर सकता है, ये बात घटनाओं में हो चुकी है, इसी छपरा में हुई है। कैसा राज्य है वो जिसमें कि आउट ऑफ पे, आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर हिंदुस्तान के हर राज्य से ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा अगर कोई गरीब आदमी अपने जेब से खर्च करके अपना इलाज, अपने नौनिहाल का इलाज करा रहा है तो वो बिहार में, जो कि सबसे करीब है। ये स्वास्थ्य की स्थिति हुई, ये एजुकेशन की हुई। आज बिहार अर्बन रेट ऑफ अर्बनाइजेशन, जो कि विकास का एक अच्छा पैमाना माना जाता है, रेट ऑफ अर्बनाइजेशन में बिहार सिर्फ 11% पे है। पूरा हिंदुस्तान 62% पे पहुंच गया। बिहार में अभी भी 11 आदमी सिर्फ अर्बनाइज्ड है और 89 आदमी वहाँ पे रूरल है। इसका मतलब शहरीकरण नहीं हुआ, शहरी सुविधाएं नहीं वहाँ पहुँची। ये रेट ऑफ अर्बनाइजेशन है। इंडस्ट्रीज नहीं है, नौकरी नहीं। आप ताजुब करेंगे कि बिहार में सबसे ज़्यादा बेरोजगार युवा रहते हैं। रोजगार नहीं है, वो युवा करेंगे क्या? अपराध की तरफ जाते हैं। आपको एक और आंकड़ा बताएं। एक चीज होती है कि वहां पे कानून कैसा है और कानून को पालन, कानून को अमल में लाने वाली एजेंसियां कैसी हैं। आप ताजुब करेंगे कि बिहार में रेट ऑफ कन्विक्शन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, सजा की दर, ये हिंदुस्तान में सबसे कम है। और कितनी है? 9.7%। जबकि वही केरला में रेट ऑफ कन्विक्शन 91% है। अगर पुलिस बिहार में किसी 10 आदमी को पकड़ती है तो एक आदमी शायद ही सजा पाए, बाकी 9 छूट जाते हैं। और केरला में अगर 10 आदमी पकड़े गए तो 9 को सजा होगी। आप समझ सकते हैं कि अपराधियों के हौसले क्यों नहीं बुलंद। यही अपराधी फिर MLA MP बनने के लिए जद्दोजहद करते हैं, दबाव डालते हैं, सिस्टम बर्बाद करते हैं। और इस सब पे तुर्रा ये कि वहाँ पे शासन में रहने वाला पिछले 3.5 दशकों से एक ही शासन चल रहा है और उस शासक को हम ये कहते हैं कि साहब ये सुशासन बाबू है। ये सुशासन अगर है, ये सुशासन बाबू का सुशासन है, तो UNDP को अपने गरीबी और विकास के पैमाने बदलने होंगे। ये कहना होगा कि जिस राज्य में सबसे ज़्यादा गुंडे होंगे वो सुशासित है, जिस राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं सरकार की न हो के प्राइवेट होंगी और गरीब को और गरीब करते हुए वो स्वास्थ्य देंगी वो सुशासित माना जाएगा, जिस राज्य में शिक्षा में राज्य का कोई भी राज्य की भूमिका नहीं है उसे सुशासित माना जाएगा। शायद विकास को हमें फिर से देखना होगा अगर हम बिहार के पैरामीटर्स लेके चलें। तो ये राज्य, आप फिर आपका जो जवाब था वो बिल्कुल सही था कि कहाँ पे 31 साल एक ही व्यक्ति 3 सरकारी विभागों में नौकरी कर सकता है, तो आप बेसाख्ता कहेंगे बिहार ही होगा। आज के लिए एक महीने सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए।